अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम आप तक कैसे पहुंचा। हमारे इर्द गिर्द हर चीज की आवाज हमें कैसे सुनाई देती है, हम हर तरह की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। किसी भी आवाज को सुनने के लिए कुदरत ने हमारी बॉडी में एक मशीन यानी एयर फिट कर दिया है। एयर यानी कान हमारे लिए नेचर का एक प्रीशियस गिफ्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी कान के मुतालिक बताऊंगा, जो कि एक पोस्टमैन की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर का सबसे बैरूनी हिस्सा पिन्ना कहलाता है, जिसे हम देख और टच कर सकते हैं। पिन्ना का फंक्शन तमाम साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल में सेंड करना होता है। ऑडिटरी कनाल एक चैनल के तौर पर रोल प्ले करता है। ऑडिटरी कनाल से अगला पार्ट एयर ड्रम होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो कि वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। एयर ड्रम मामूली से मोशन से वाइब्रेट करने लगता है। एयर ड्रम इनर एयर को एक्सटर्नल एयर से सेपरेट करता है। इसके बाद कान का मिडल पार्ट आता है। इस पार्ट में तीन छोटी बोन्स होती हैं, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। फर्स्ट बोन मैलियस कहलाती है, सेकंड इनकस और थर्ड बोन स्टेप्स कहलाती है। इसके बाद आता है एयर का इनर पार्ट। यहाँ हमें सेमी सर्कल थ्री रिंग्स नजर आ रहे हैं। ये बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। इन रिंग्स के साथ एक स्नेल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कॉकलिया कहते हैं। इसके बाद आती है ऑडिटरी नर्व, जो साउंड वेव्स को ब्रेन तक लेकर जाती है। आइए अब हम एयर के फंक्शन पर बात करते हैं। कोई भी साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है। जब भी हम बोलते हैं, हमारी साउंड वेव्स एयर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती है और ऐसे साउंड पिन्ना तक पहुंचती है। पिन्ना तमाम साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल तक पहुंचाता है। साउंड वेव्स ऑडिटरी कनाल से पास होकर एयर ड्रम को हिट करती हैं। एयर ड्रम वाइब्रेशंस के लिए सेंसिटिव होता है। हल्की सी मोशन से ये वाइब्रेट करने लगता है। इसकी वाइब्रेशन से साउंड वेव्स मिडल एयर तक पहुंचती हैं, जहां तीन बोन्स यानी ऑसिकल्स होती हैं। एयर ड्रम की वाइब्रेशन से ये ऑसिकल्स वाइब्रेट करती हैं और साउंड को इनर एयर में ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफिकेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इनर पार्ट में लिक्विड होता है। लिक्विड को वाइब्रेट करने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है। ऑसिकल्स प्रेशर को 20 गुना इंक्रीज कर सकते हैं। इनर एयर्स में तीन सेमी सर्कल रिंग्स मौजूद होती हैं, जो बॉडी को बैलेंस में हेल्प करती हैं। इन रिंग्स के अलावा स्नेल शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे कॉकलिया कहा जाता है। साउंड वेव स्टेप से पास होकर कॉकलिया को हिट करती हैं, तो कॉकलिया के अंदर मौजूद फ्लूड वाइब्रेट करने लगता है। कॉकलिया में स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब तक साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट ना हो, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, तब तक हम साउंड नहीं सुन सकते। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हम साउंड को समझ सकते हैं। कॉकलिया के सेल्स की मदद से हम मुख्तलिफ तरह की साउंड सुन सकते हैं। ये लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव होते हैं। इनकी मदद से हम बता सकते हैं कि साउंड कब लाउड होती है और कब सॉफ्ट, साउंड की फ्रीक्वेंसी कब हाई होती है और कब लो। इसकी मदद से हम म्यूजिक के नोट्स को भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा और आपको हमारे कान के काम करने का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अगर आप साइंस और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे सेकंड चैनल सात खान टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।